So today we will see the unit number 4. So first of all, what is the TRF receiver? TRF receiver is the tuned frequency receiver. Next one is mention the drawbacks of TRF receiver. Then what are the drawbacks of TRF receiver? Gain variation over the frequency coverage range. Inadequate selectivity at high frequencies and उसके बाद हमने देखा instability. तो ये तीन drawback की वजह से हमने क्या देखा था फिर super heterodyne receiver. So in the super heterodyne receiver, what is the basic principle? In the super heterodyne receiver, all the incoming RF frequencies are converted to fixed low frequency called the intermediate frequency. Then the fixed intermediate frequency is amplified and detected to reproduce the original information. तो ये हमने बेसिक प्रिंसिपल देखा था सुपर हेटरोडाइन रिसीवर का. उसके बाद व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेडियो रिसीवर? फर्स्ट इज द सिलेक्टिविटी, देन इज द सेंसिटिविटी, थर्ड इज फिडिलिटी एंड लास्ट इज द इमेज फ्रिक्वेंसी एंड इट्स रिजेक्शन. सो व्हाट इज द सिलेक्टिविटी? तो सिलेक्टिविटी इज एबिलिटी ऑफ द रिसीवर टू सिलेक्ट द सिग्नल and of a desired frequency and reject the all the signals. The selectivity is denoted by the Q. So selectivity क्या होती है कि receiver को बहुत सारे signals available है लेकिन at a time उसने एक ही signal receive करना चाहिए और बाकी सारे signals क्या करने चाहिए, reject करने चाहिए. That's why we go for the selectivity. Define the sensitivity. The sensitivity of a communication receiver refers to the receiver's ability to pick up weak signals. तो कितना weak signal वो pick up कर सकता है यानी receive कर सकता है, that is nothing but the sensitivity. What is the function of the dummy antenna in the sensitivity measurement? The dummy antenna is used to provide impedance matching and hence to transfer maximum power to the radio receiver from the signal generator. तो सबसे पहले नेटवर्क एनालिसिस में आपने देखा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम. मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब होता है कि जब सोर्स लोड होता है और दूसरा क्या होता है एक और डेस्टिनेशन लोड होता है. डेस्टिनेशन लोड यानी रिसीवर, सोर्स लोड यानी ट्रांसमीटर. तो इन दोनों का क्या होना चाहिए? इम्पीडेंस मैचिंग होना चाहिए तो ही हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा. कहाँ से? ट्रांसमीटर से निकलेगा सिग्नल और रिसीवर पे जाएगा. ओके, सो दैट इज अचीव्ड थ्रू एंटीना. इनसेंसिटी डिफाइंड फिडिलिटी. फिडिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द रिसीवर टू रिप्रोड्यूस ऑल द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज इक्वली. यानी समझो हमारा जो रिसीवर है AM रिसीवर, उसकी बैंडविड्थ है 10 मेगाहर्ट्ज. तो 10 मेगाहर्ट्ज ये बैंडविड्थ रेंज में जितने भी सिग्नल्स आएंगे उसने हमारे जो रिसीवर ने उस सब सिग्नल्स को प्रॉपरली रिसीव करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. और उसके बाद क्या करना चाहिए, वो एक बार रिसीव होने के बाद सब सिग्नल को प्रॉपरली रिप्रोड्यूस भी करना चाहिए. अदरवाइज वन सिग्नल विल गेट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसीवर एंड अदर सिग्नल विल बी लॉस्ट. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए दैट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय द फिडिलिटी. देन डिफाइन द इमेज फ्रीक्वेंसी. द इमेज फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द सिग्नल फ्रीक्वेंसी प्लस ट्वाइस द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी. तो ये होता है इमेज फ्रीक्वेंसी. लेकिन इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? रिजेक्ट होनी चाहिए. वाई? बिकॉज अगर इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट नहीं हुई तो क्या होता है, हमने देखा था जब हमने पढ़ा ये यूनिट, हमने गो थ्रू किया इस यूनिट से. तो इफ़ द इमेज फ्रीक्वेंसी इज नॉट रिजेक्टेड देन व्हाट विल हैपन? देन व्हाट विल हैपन निखिल, निकिट? इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट नहीं हुई तो क्या होगा कि इंटरफेरेंस होगा और प्रॉपर सिग्नल क्या नहीं होगा, हमें रिसीव नहीं कर पाएंगा, यानी रिसीवर जो है कम्युनिकेशन रिसीवर. उसके बाद इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन इम्प्रूव्स विद डिक्रीज इन द IF. दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन इज नॉट इम्प्रूव्ड विद इन डिक्रीज इन द IF. सो इमेज फ्रीक्वेंसी क्यों अचीव करना चाहिए? बिकॉज इन ऑर्डर टू अवॉइड द इंटरफेरेंस.
विच ट्यून सर्किट्स डू नॉट रिजेक्ट द इमेज फ्रीक्वेंसी ऑफ द सुपर हेटरोडाइन रिसीवर. द इमेज फ्रीक्वेंसी ऑफ द सुपर हेटरोडाइन रिसीवर इज नॉट रिजेक्टेड बाय द आईएफ ट्यून सर्किट्स. विच पार्ट ऑफ सुपर हेटरोडाइन रिसीवर इम्प्रूव द रिजेक्शन ऑफ द इमेज फ्रीक्वेंसी. द रिजेक्शन ऑफ द इमेज फ्रीक्वेंसी इज इम्प्रूव बाय द आरएफ एम्पलीफायर इन अ सुपर हेटरोडाइन रिसीवर. सो आरएफ एम्पलीफायर का टास्क है कि इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, रिजेक्ट होनी चाहिए. सो इफ रिसीवर हैज अ पुअर आईएफ सिलेक्टिविटी व्हाट आर द ड्रॉबैक्स इट विल हैव. अ रिसीवर हैविंग पुअर आईएफ सिलेक्टिविटी विल ऑल्सो हैव पुअर ब्लॉकिंग. पुअर ब्लॉकिंग यानी विच सिग्नल टू ब्लॉक, कौन सा सिग्नल ब्लॉक करना है हमें, हमें नॉइस को ब्लॉक करना है, हमें जो इंटरफेरेंस है उसको ब्लॉक करना है. इसीलिए पुअर आईएफ सिलेक्टिविटी अगर होगा तो ब्लॉक नॉइज भी ब्लॉक नहीं होगा, इंटरफेरेंस भी ब्लॉक नहीं होगा. ओके, विद द हेल्प ऑफ विच कंपोनेंट थ्री पॉइंट ट्रैकिंग इज अचीव्ड. बाय यूजिंग द पैडर कैपेसिटर. पैडर कैपेसिटर थ्री पॉइंट ट्रैकिंग इज अचीव्ड. विच इज द पर्पज ऑफ द ट्यूनिंग द ब्रॉडकास्ट रिसीवर टू फ्रीक्वेंसी हायर दैन द इनकमिंग फ्रीक्वेंसी. ट्यूनिंग द ब्रॉडकास्ट रिसीवर टू अ फ्रीक्वेंसी हायर दैन द इनकमिंग फ्रीक्वेंसी अलाउज एडिक्वेट फ्रीक्वेंसी कवरेज विदाउट स्विचिंग. इज द लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज हायर दैन द सिग्नल फ्रीक्वेंसी एंड वाई. लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हमेशा सिग्नल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा क्यों होती है और उसका रीज़न पूछा है. सो आंसर इज येस, लोकल ऑसिलेटर्स फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज हायर दैन द सिग्नल फ्रीक्वेंसी. दिस इज टू इंश्योर दैट ट्यूनिंग ऑफ द लोकल ऑसिलेटर यूजिंग द प्रैक्टिकल अवेलेबल ट्यूनिंग कैपेसिटर्स. What are the advantage and disadvantage of having high intermediate frequency? There are two advantages. Image frequency rejection is very good. Local oscillator need not extremely stable. Disadvantage, the selectivity will poor. What are the advantage does a receiver having a good blocking performance have? A receiver having good blocking performance is unaffected by the AGC derived by the nearby nearby transmission. Then, what is AGC? AGC is nothing but the automatic gain control. Explain the necessity of the RF amplifier to reduce noise and to improve the image frequency rejection. Define intermediate frequency, mixer or a frequency converter in a non-linear resistance which converts modulating signal and local oscillator signal into different frequencies called the intermediate frequency. यानी जो incoming frequency है और जो हमारे local oscillator ने जो produce की frequency है इसका जो difference है उसको हम क्या कहते हैं, intermediate frequency. What is the value of standard intermediate frequency of a AM radio? That is 455 kilohertz. ये बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एम रेडियो. इट इज़ ऑलवेज 455 किलोहर्ट्ज़, 455 किलोहर्ट्ज़. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द आईएफ एम्पलीफायर. आईएफ एम्पलीफायर का क्या फंक्शन है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ टू एम्पलीफाई ओनली ट्यून फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड रिजेक्ट ऑल अदर्स. And last is, what is the function of the demodulator circuit? A demodulator circuit accepts a modulated signal. Modulated signal यानि AM signal को accept करता है, उसमें से carrier निकाल देता है और हमें क्या देता है, हमारा information signal. What is AGC? Automatic gain control is a system by means of which overall gain of the system is varied automatically with the variation in the strength of the received signal. और ये कहाँ से derived होता है, ये demodulator circuit या डी एम्पलीट्यूड सर्किट से ही यानी डी मॉड्यूलेटर सर्किट से ही हम एजीसी को निकालते हैं. और ये वोल्टेज होता है और ये वोल्टेज पूरे के पूरा जो सिस्टम है उसको प्रोवाइड किया जाता है. इट इज़ जस्ट लाइक अ फीडबैक. कंट्रोल सिस्टम में आपने फीडबैक पढ़ा है, तो कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक क्यों चाहिए, टू अचीव द बेटर व्हाट, स्टेबिलिटी. तो यहाँ पे भी वैसे ही है. एजीसी से क्या होता है कि जितना भी गेन है सारे के सारे सिस्टम का वो एक ही टाइप एक ही होना चाहिए, तो वो कंट्रोल होता है एजीसी से. एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ एजीसी टू अवॉइड वायलेंट वेरिएशन इन द साउंड व्हेन ट्यूनिंग फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर. सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है नेसेसिटी से, टू अवॉइड वायलेंट वेरिएशन इन अ साउंड व्हेन ट्यूनिंग फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन. यानी समझो हम दिल्ली स्टेशन पे ट्यून है और हमें ट्यून होना है मुंबई स्टेशन पे, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसीज का
तो ये अगर वेरी करते टाइम इसमें वायलेंट वेरिएशन इन साउंड ये अवॉइड करने के लिए AGC यूज़ होता है. सिमिलरली नेक्स्ट इज टू रिड्यूस द गेन ऑफ द रिसीवर फॉर वेरी स्ट्रांग सिग्नल. अगर स्ट्रांग सिग्नल यानी उसमें नॉइज़ नहीं है तो उसको गेन का कुछ देर इज़ नो एनी यूज़ ऑफ द गेन. वो वैसे ही स्ट्रांग सिग्नल है उसमें नॉइज़ नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में गेन क्या करना ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना. अगर समझो गेन रिड्यूस हो गया तो गेन को क्या करना बढ़ाना. ओके देन हमने क्या देखा सेल्फ एक्साइटेड मिक्सर. सेल्फ एक्साइटेड मिक्सर में क्या होता है द सेम ट्रांजिस्टर विच कॉज द मिक्सिंग ऑल्सो कॉज द लोकल ऑसिलेटर. यानी लोकल ऑसिलेटर और मिक्सर एक ही होता है. मिक्सर यानी ऐसा सर्किट कि जो इनकमिंग जो रिसीव्ड सिग्नल है और लोकल ऑसिलेटर सिग्नल है इन दोनों में डिफरेंस जो आउटपुट में प्रोड्यूस करता है दैट इज नथिंग बट द मिक्सर. फिर से रिपीट करता हूँ मैं. मिक्सर यह ऐसा सर्किट होता है AM रिसीवर में कि जो और FM रिसीवर में भी होता है क्योंकि हमें यूनिट नंबर 6 देखना ही है अभी कल से. देखो मिक्सर ये ऐसा सर्किट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कि जिसमें ऑसिलेटर भी होता है और मिक्सिंग भी होता है. मिक्सिंग यानी इनकमिंग जो रिसीव्ड सिग्नल है और लोकल ऑसिलेटर जो सिग्नल है इन दोनों में वो डिफरेंस प्रोड्यूस करता है. एक्चुअल डिफरेंस यानी सिमुलेशन नहीं. एक 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 इनपुट पे हम और लोकल ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी देंगे उसको एक इनपुट पे यानी वो दो इनपुट एक्सेप्ट करता है. मिक्सर ये दो इनपुट एक्सेप्ट करता है एक लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी और एक रिसीव्ड सिग्नल की इनकमिंग फ्रीक्वेंसी. उसके बाद इन दोनों में वो क्या करता है प्रोड्यूस करता है डिफरेंस प्रोड्यूस करता है. तो सेल्फ एक्साइटेड मिक्सर क्या होता है कि मिक्सर और लोकल ऑसिलेटर सेम ही होते हैं एक ही सर्किट में दो आते हैं यानी देर इज नो एनी सेपरेशन. विच वेयर एज सेपरेटली एक्साइटेड मिक्सर में क्या होता है मिक्सर और लोकल ऑसिलेटर सर्किट ये दोनों डिफरेंट होते हैं अलग अलग होते हैं. ओके देन विच सर्किट आर कॉमनली यूज फॉर द डी मॉड्यूलेशन ऑफ द सिंगल सेगमेंट प्रोडक्ट डी मॉड्यूलेटर डायोड बैलेंस मॉड्यूलेटर. ये देखा था हमने. वॉट इज पायलट कैरियर. अ पायलट कैरियर इज अ लो लेवल कैरियर सिग्नल सेंट अलॉन्ग विद द SSB सिग्नल. वॉट इज नेसेसिटी ऑफ द पायलट कैरियर. पायलट कैरियर अवॉइड्स द जनरेशन ऑफ द लोकल कैरियर एंड हेंस एलिमिनेट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हाईली स्टेबल लोकल ऑसिलेटर. वॉट इज द फंक्शन ऑफ द बिट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर. ये सारा आप डबल कन्वर्जन रिसीवर का है पूरा पार्ट तो ये मैं नोट्स अपलोड करने वाला हूँ. तो आज हमने पूरा का पूरा यूनिट नंबर 4 रिवाइज किया और आई थिंक ऑन सैटरडे आई हैव रिवाइज द यूनिट नंबर 3 और उसके पहले हमारा यूनिट नंबर 5 रिवाइज हो चुका था जैसे ही मैंने फिनिश किया था और सैटरडे को शायद से कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ था. मैंने लिंक सेंड की था आप सेंड किया था आपके जीमेल पे. आप देख सकते हो मेल में तो आपको समझ में आएगा. तो एनी डिफ़िकल्टी अप टू दिस आप अब हमारे 5 यूनिट रिवाइज करके ख़त्म हो गए हैं. पूरा रिवाइज किया है मैंने. फिर से आज मैं नोट्स अपलोड करने वाला हूँ. मैं अभी डायरेक्टली अभी ये मीटिंग ख़त्म होने के बाद ही नोट्स अपलोड करने वाला हूँ. तो एनी डिफ़िकल्टी आई थिंक हु ओनली निखिल इज प्रेजेंट. Nikhit, are you having any difficulty? No. So on why other students are not joining, I don't know. Yes, your attendance is always 100%. I think you and Rushabh were totally 100%. Your attendance is 100%. I think in every class means every course class, because everyone is conducting lecture online and every faculty is saying that Nikhit is present, Rushabh is present and only 2 to 3 students. When I think the average attendance is 4 to 5. So definitely you will get advantage of this.
आई थिंक अनदर मोर मैसेज इज कमिंग. ओके यस आई एम नॉट टेकिंग एनी वट इश्यूज रिगार्डिंग द अदर स्टूडेंट्स वाई दे आर नॉट जॉइनिंग. इट इज़ देयर इशू नाउ बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी फैकल्टी हैज़ फिनिश्ड. 4 to 3 यूनिट्स आर कम्प्लीट. माई सब्जेक्ट इज वी हैव कम्प्लीटेड 5 यूनिट्स विथ रिविजन. रिविजन भी कर चुके हैं हम. अब हम कल से देखेंगे यूनिट नंबर 6. यूनिट नंबर 6. ओके नो क्वेश्चंस. सो शाल आई एंड दिस मीटिंग. क्वेश्चन है क्या आपको? नहीं है. सो आई विल एंड दिस मीटिंग. ओके देर इज नेटवर्क प्रॉब्लम. ओके ओके आई विल एंड मीटिंग नाउ. टुमारो यू विल वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 6. इन्फॉर्म टू ऑल द अदर स्टूडेंट्स दैट इसी विल वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 6. दैट इज लास्ट यूनिट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सब्जेक्ट. थैंक यू.